साची भक्ति और सब झूठो। पाई नारद श्याम कृपाते खात साधु को झूठो। व्यास जी भक्त और भक्ति दोनों की महिमा इन दो पंक्तियों में उजागर करते हैं। पहले तो कहते हैं सांची भक्ति और सब झूठो, यही है जो उस सत्य से जीव का परिचय कराती है, उस सत्य की अनुभूति कराती है, उसका आस्वादन कराती है, भक्ति ही है। विगत कई दिनों से व्यास जी की वाणी का हम कथन श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि जितना व्यास जी ने कहा, जितना अभी हम आगे और कहेंगे सुनेंगे, ये सब कहने सुनने का उद्देश्य क्या है? भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा, विशुद्ध भक्ति। रूप गोस्वामी पाद उत्तमा भक्ति का लक्षण बताते हैं, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, अर्थात जो भक्ति भावना न ज्ञान पर आश्रित हो न कर्म पर। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा, अर्थात जिसमें केवल केवल अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने प्रियतम के सुख का विचार हो, वही उत्तमा भक्ति है। तत्सुख सुखित्वम, वो जो जिस उस भावना का प्राण तत्व हो, वही उत्तमा भक्ति है। तो जितना व्यास जी ने कहा, उसको कहने का केवल एक उद्देश्य है, एक तात्पर्य है, एक हेतु है, और वह है विशुद्ध भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा। व्यास जी कह रहे सांची भक्ति और सब झूठो, जितने साधन हैं सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि वो पूर्णतम परिपूर्णतम वस्तु की उपलब्धि नहीं करा सकते। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह कि सब परतंत्र हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी की अपेक्षा है। ज्ञान हो, कर्म हो, ये जितनी भी सब विधियां हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये अपेक्षित हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र क्या है, कौन है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग ना पावे प्राण। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी अन्य साधन का अवलंब नहीं है, वो अकेली पर्याप्त है जीव का उद्धार करने के लिए। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि पतन के गर्त में पड़ा हुआ जीव हो तो उसको ज्ञान नहीं उठा सकता। विचार करिए, जो जीव पतन के गर्त में पड़ा है, अर्थात विषय और वासना में लिप्त है, मैला है, कुचैला है, उसके लिए ज्ञान किस काम का? उसको खूब सुनाते रहिए, खूब सुनाते रहिए, लेकिन उसके पास वो ग्राहकता ही नहीं है, उसके पास वो ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, तो ज्ञान उसके किस काम का है? विषय और वासना के गर्त में पड़े व्यक्ति को आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए, क्या वो उसके काम का है? कोई काम का नहीं है। कर्म के लिए तो द्रव्य की शुद्धि चाहिए, मंत्र की शुद्धि चाहिए, विधि और निषेध के जंजाल में कर्म स्वयं बंधा है, जीव को क्या मुक्त करेगा? कर्म तो विधि और निषेध से बंधा है ना। किसी भी कर्म का फल तभी होता है जब वो सविधि किया जाए। किसी भी यज्ञ व्रत अनुष्ठान का फल तब है जब वो विधि और निषेध से युक्त होकर किया जाए। तो कर्म तो स्वयं ही विधि और निषेध के बंधन में बंधा है, वो जीव को कैसे मुक्त करेगा? पर भक्ति है वो स्वतंत्र है, मैला से मैला, पतित से पतित, अभावग्रस्त से अभावग्रस्त जीव भक्ति के द्वार पर आ जाए। पतित से पतित जीव का भी उद्धार करने में भक्ति स्वतंत्र भी है और समर्थ भी है। रैदास जी महाराज ने जब उस राजा की सभा में गाया ना कि जा की छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, और नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। मैं फिर कह रहा हूं भाई, ज्ञान नहीं उठाएगा पतन में गर्त में पड़े हुए व्यक्ति को, वो तो अंतःकरण चतुष्टय और फिर उसकी निर्मलता का प्रावधान, ये सब आपके पास हो तो आप वहां जाइए।
और कर्म को भी आपसे बहुत आशा और अपेक्षा है, भक्ति आपसे कुछ नहीं चाहती, भक्ति आपसे कुछ नहीं चाहती। इसीलिए व्यास जी कहते, कनक कूट कोटिक लग तजिए और बस भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। इसीलिए व्यास जी ने जाति कुल बल बुद्धि विद्या जिस भी उपलब्धि का मद होता है जीव को, व्यास जी ने सब एक ओर धर के कहा कि भाई वृंदावन के स्वपच के रहिए सेवक हुए। व्यास कुलीनन कोटि मिल पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पान ही तुलत न तिनके शीश। मैं आपको सत्य कहूं, मैंने समग्र भक्ति साहित्य में श्री जी की कृपा से बहुत संतों की वाणी का मुझे चिंतन दर्शन करने का अवसर मिला है, लेकिन मैंने समग्र भक्ति साहित्य में ऐसी बात कहीं नहीं पढ़ी। भक्ति की ऐसी अद्भुत महिमा, ऐसा गौरव व्यास जी ने गाया है कि व्यास कुलीनन कोटि मिल पंडित लाख 25 और स्वपच भक्त की पा नहीं तुलत न तिनके शीश। ये क्या है, भगवत भक्ति की महिमा है। सुनते तो आते हैं आप और मैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हमारे श्री सेवक जी महाराज भी कहते हैं कि तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, जिसे निर्मलता कहते हैं, जिसे पवित्रता कहते हैं, जिसे शुद्धि कहते हैं, जीव को ये पवित्रता निर्मलता शुद्धि केवल केवल और केवल भगवत भजन से ही प्राप्त होती है। केवल भगवत भजन से जीव की शुद्धि होती है, न जल से स्नान करने से, न किसी और प्रकार से दान करने से, न किसी ऐसे वैसे का ध्यान करने से। और ये कोई मेरा अपना निजी विचार नहीं है, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग धान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौ दान। सब कहने के बाद कहते हैं, इतने में पापन को नेक हूं न हरही। बोले ये सब मिल जाए तो भी नेक से पाप को नष्ट नहीं कर सकते, और पाप नष्ट नहीं होगा तो ताप कैसे नष्ट होगा। इसीलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अनादिकाल से आप और मैं, हम सब इस त्रिताप से तप रहे हैं। ये तीन ताप कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। शरीर का रोग है, दरिद्रता है, ये क्या है? ये आदि भौतिक ताप है। शरीर अस्वस्थ है, दरिद्रता है, जीवन अभावग्रस्त है, ये क्या है? ये आदि भौतिक ताप है। मन में विक्षेप बहुत है, मन बहुत अस्थिर रहता है, सब होने पर भी मन व्याकुल है, ये क्या है? ये आदि दैविक ताप है। और जीव भगवान से बिछड़ा है, जीवात्मा परमात्मा से दूर है, प्रभु से दूर है, ये आध्यात्मिक ताप है। ये तीन ताप जीव से लगे ही हैं, सदा लगे हैं। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भाई सब साधन कर लीजिए, नेक सा पाप दूर नहीं होता, पाप दूर नहीं होगा तो ताप कैसे दूर होगा? ताप क्या है? पाप का परिणाम ताप ही तो है, पाप से ही तो ताप होता है। और फिर मैं एक और बात निवेदन करूंगा, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि गुरुजनों की बात को यथावत मान लेने में ही हमारा हित है। ये इन महापुरुषों ने बड़ा बड़ा संघर्ष करके, वस्तुतः अपने जीवन के सुख का, स्वार्थ का उत्सर्ग करके ये वस्तु आपको और मुझे प्रदान की है, आपके और मेरे हित के लिए ये वचन उचारे हैं। थोड़ा सा जीवन है भाई आपका मेरा, उस अल्प से जीवन में भी अल्प सी गति है, अल्प सी गति है, अल्प सी आपकी मेरी मति है। विचार करो कि दिन भर में कितने क्षण होते हैं जो भगवत भजन के लिए दिए जाते हैं, और उन क्षणों में से भी कितने क्षण ऐसे होते हैं जिसमें वस्तुतः भगवत भजन होता है। ये अभावग्रस्त जीव है कि कली के जीव की कोई सामर्थ्य नहीं है। सोई तो व्यास जी ने कहा, व्यास कठिन कली काल है, नाम रूप अवगाहि, रसिकन सो तज अंतरो नर्तन हीरा पा। महर्षि वेद व्यास ने लोक के मंगल के लिए, कल्याण के लिए,
18 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन सुख नहीं मिला, विश्राम नहीं मिला। तब देवर्षि नारद ने यही तो कहा कि कलयुग के जीव के काम की कोई बात कहिए, कलयुग के जीव का उद्धार इन सब से नहीं होने वाला है, बड़ा अल्पमति गति कलयुग का जीव होगा, उसे तो कोई सीधे सीधे भगवत भजन की बात बताइए। तब महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत को प्रकट किया और श्रीमद् भागवत के माध्यम से सीधे सीधे उस भागवत धर्म का जीव को उपदेश किया जो वस्तुतः कलयुग में जीव का निस्तार करा सकता है। तो भक्ति स्वतंत्र है भाई, भोर से सांझ बार 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 इस सिद्धांत का स्मरण करिए, इसका चिंतन करिए कि कभी छुटकारा होगा इस जंजाल से, इस प्रपंच से, इस बंधन से कभी मुक्ति होगी तो भगवत भक्ति से होगी। और भगवत भक्ति मिलेगी कैसे, बिन सत्संग न पावे प्राणी। व्यास जी कह रहे सांची भक्ति और सब झूठो, और फिर कह रहे देखो पाई नारद श्याम कृपाते, और कैसे खात साधु को झूठो। नारद जी को वो जो भजन का रंग लगा कैसे, वो संतों की सीत प्रसादी तो पाया करते थे, संतों की सीत प्रसादी पाते पाते वो अनुराग का रंग नारद जी के हृदय को स्पर्श कर गया। और बस प्रेम एक बार स्पर्श करे फिर तो प्रतिक्षण वर्धमानम, फिर तो अब वो अविच्छिन्न बहता है और प्रतिक्षण बढ़ता ही चला जाता है। संसार में भी तो आप कहते हो ना कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, ऐसा लोग खाते हैं एक दूसरे की थाली में बिना कोई विचार किए, तो कहते हैं ऐसा करने से क्या होता है, बोले जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, जिसका जूठा खाओ उससे प्रेम बढ़ता है। यही तो प्रसाद की महिमा है, प्रभु का जूठा खाओगे तो प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, प्रभु के भक्तों का जूठा खाओगे तो प्रभु से और प्रभु के भक्तों से प्रेम बढ़ेगा। यही भगवत प्रसाद की महिमा है, उच्छिष्ट की यही महिमा है भाई, उच्छिष्ट की यही महिमा है। ओ धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन, पाए सब मिटी हैं विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। तो भक्त के शरणागत होकर भक्त चरण धर भाव, तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा, श्री हरि राधा, श्री हरि राधा। और आज व्यास जी यही कह रहे हैं, व्यास बड़ाई छोड़ के हरि चरणन चित जोर, व्यास बड़ाई छोड़ के हरि चरणन चित जोर, एक भक्त रह दास पे बारों बांभन कोर, एक भक्त रह दास पे बारों बांभन कोर। और मुझे लगता है महाराज श्री व्यास जी जैसा कोई समर्थ महापुरुष ऐसी बात बोल सकता है। कह रहे अरे व्यास बड़ाई छाण के हरि चरणन चित जोड़, बड़ा मद होता है भाई, बड़ा बड़ा अभिमान होता है व्यक्ति को जाति का, कुल का, विद्या का, बुद्धि का, रूप का, बल का, यौवन का, बड़ा अभिमान होता है। और पूर्व के वाक्य में व्यास जी ने कहा कि चढ़ नौ का अभिमान की और बूढ़े बहुत कुलीन, इन सब पर चढ़ चढ़ कर अरे बहुत डूब गए। इसीलिए व्यास जी कह रहे हैं अरे बड़ाई छाण के हरि चरणन चित जोर, जब तू जाएगा वहां तो कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या किया क्या नहीं किया, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या ओढ़ा क्या नहीं ओढ़ा, क्या लिया क्या दिया। सीधी सी एक बात है भाई, हरि का भजन किया कि नहीं किया, प्रभु को रिझाया कि नहीं रिझाया, हरि के चरणों की भक्ति की या नहीं की, एक ही प्रश्न है जो उस समय पूछा जाएगा। कबीर साहब कहते हैं अरे धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, नाम सिमर पछताएगा रे मन, नाम सिमर पछताएगा। वो तो एक एक उद्बोधन दे रहे हैं व्यास जी, अरे व्यास बड़ाई छाण के हरि चरणन चित जोर। और मुझे लगता है जिस समय व्यास जी ने ये शब्द उच्चारण किए होंगे उस समय वस्तुतः समाज की वर्ण व्यवस्था कुछ ऐसी थी, और इस जाति प्रथा, इस जातिवाद के कारण मुझे लगता है इस भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कभी कभी बहुत क्षति पहुंची है।
समाज को बहुत हानि हुई है इसके कारण। श्रेष्ठ कुल में जन्म किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है, श्रेष्ठ कुल में जन्म श्रेष्ठ आचरण करने के लिए होता है। अगर आपके पास बल है तो किसी दुर्बल का बल बनिए, आप यदि साधन संपन्न है तो किसी निर्धन का धन बनिए। आपको जो भी कुछ श्रेष्ठ मिला है वो सेवा, सद्भाव और सदुपयोग के लिए मिला है, अभिमान करने के लिए नहीं मिला है। अरे शायद 2-3 बरस पहले की घटना होगी, महाराज जी मैं मंदिर में दर्शन कर रहा था और अधिकारी जी के पास कोई व्यक्ति आए, अब नाम लेना तो ठीक नहीं है, वो कहने लगे कि भाई जाति तो जाति ही होती है, जाति की श्रेष्ठता तो जाति की श्रेष्ठता होती है। तो मैंने कहा बहुत बड़े हैं आप मुझसे, पर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, आप उत्तर दीजिए। अधिकारी जी सामने ही बैठे थे, मैंने कहा जे जे आपके पास कोई 2 आम लेकर आए, एक तो हापुस आम हो, बड़ा महंगा आता है सुनते हैं, और एक बड़ा साधारण सा कोई आम फल हो। मैंने कहा हापुस है तो बड़ी ऊंची जाति का पर हो सड़ा हुआ, दुर्गंध आती हो, और दूसरा आम साधारण सा है पर मीठा है, स्वस्थ है, आप श्री जी को क्या भोग लगाएंगे? निश्चित रूप से जो स्वस्थ है मीठा है ठाकुर जी के सन्मुख वही जाएगा। अब हो बहुत बड़ी जाति का पर सड़ा है, कोई गुण नहीं है उसमें, तो ठाकुर जी के सन्मुख जाने योग्य नहीं है भाई। और ध्रुवदास जी तो सिद्धांत विचार लीला में कहते कोटि भांति भावे अपरस रहो और भावे सपरस रहो, उनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है, एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। अरे प्रभु अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना। लगे हाथ उन्होंने मुझसे भी पूछ लिया आपकी जाति क्या है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा उत्तर दिया जाना चाहिए कि अगली बार किसी से पूछने से पहले व्यक्ति सोचे कि प्रश्न पूछने योग्य है कि नहीं। तो मैंने कहा अब आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता देता हूं, विद्या से ब्राह्मण हूं, बल से क्षत्रिय हूं, बुद्धि से वैश्य हूं, और जब भाव की बात आती है तो हरि का जन होकर मैं सबकी सेवा करने को तैयार हूं, ये हमारी जाति। तहां जाति कुल नहीं विचार, जो प्रभु को भज रहा है वो प्रभु का है, और मुझे लगता है एक परिचय मनुष्य के लिए पर्याप्त है कि वो प्रभु का है, और वास्तविक परिचय है भाई ये आपका मेरा, बाकी सब खो जाता है, सब मिट जाता है, सब छूट जाता है। आप देखिए अपने चारों ओर दृष्टि घुमाइए, क्या क्या है जो सदा रहा और सदा रहेगा? आज मिल रहा है कल खो रहा है, कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, आता रहेगा और जाता रहेगा, एक परिचय है जो सदा रहेगा। श्री गुरु नानक देव जी वाणी में कहते हैं, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। बोले ये बात सच्ची है, त्रिकाल सत्य है ये कि आप प्रभु अपने भक्तों के हैं और आपके भक्त आपके हैं, हम भक्तन के भक्त। हमारे सूरदास जी कहते हैं, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरत न टारे। प्रभु कह रहे सत्युग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कली हो, एक बात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हम भगतन के भगत हमारे। ये बात मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं भाई, वृंदावन धाम में रहते हो, वृंदावन धाम में रहकर भजन करते हो, स्वयं को साधने का प्रयास कर रहे हो, कभी इस ओर दृष्टि मत डालना, कभी इस ओर दृष्टि न जाए आपकी कि भक्त की क्या जाति है, वो किस परिवार से संबंध रखता है, उसके पास संसार की दृष्टि से क्या है और क्या नहीं। व्यास जी तो सीधे सीधे लिखते हैं कि भक्ति में कहा जनेऊ जात, भक्ति में कहा जनेऊ जात। सो व्यास जी कहने, व्यास बड़ा ही छोड़ के और जो करने आया है, जो करने योग्य है वो कर, व्यास बड़ाई छाड़ के हरि चरणन चित जोर। और फिर व्यास जी तो लगे हाथ एक मीठी सी चपत भी लगा देते हैं, एक भक्त रैदास वह वारों बांभन कोर। आगे कहते हैं, नामा के कर पे पियो खाई व्रज की छाक, नामा के कर पे पियो खाई ब्रज की छाक, व्यास कपट हरि ना मिले
नीरस अपरस पाक। व्यास कपट हरि ना मिले नीरस अपरस पाक। जैसे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब फीक। विविध भांति व्यंजन करो। सेवक जी महाराज कहते भजन हो कैसे प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनो चितलाई श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रीति सहित यह नाम का श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रट्टही। तो कह रहे अरे प्रभु ने नामदेव के हाथ से दूध पिया और ब्रजवासियों की छाक खाई। जब प्रभु विचार नहीं करते तो आपको और मुझे ये विचार क्यों करना चाहिए। जीव को श्रेष्ठ भगवत भाव बनाता है, जीव को श्रेष्ठ भगवत भजन बनाता है, जीव को श्रेष्ठ बनाता है उसके हृदय का वास्तविक दैन्य, उसकी विनम्रता। यही मनुष्य के भूषण है भाई। और ये हो तो मनुष्य मनुष्य है, नहीं तो ये संसार का बल, ये संसार का ऐश्वर्य, ये संसार की क्षणभंगुर प्रभुता जीव को नष्ट करने के लिए। वस्तुतः आप देखिए, अगर हरि की भक्ति ना हो, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, हरि की भक्ति हो तो नर में भी नारायण का दर्शन होने लगता है, और अगर हरि की भक्ति ना हो तो रावण बार बार श्री राम को, साक्षात नारायण को केवल नर ही तो समझता रहा। शक्ति अत्यधिक हो जाए और भक्ति ना हो, भक्ति के बिना यदि शक्ति रही तो वो जीव का पतन कराती है, उसे नष्ट कर देती है, अपनी शक्ति स्वयं को नष्ट कर देती है, अपनी बुद्धि अपने पतन का कारण बनती है। यदि भगवत भक्ति हीन हो तो भक्ति होगी तो नर में भी नारायण का दर्शन होगा, और भक्ति हीन शक्ति यदि रही तो नारायण को भी कोई कोई नर समझ लेता है और अपने हाथ से अपना घात करा बैठता है। देखिए पांडवों की राजसभा में द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर जाते हैं और क्या बात कहने गए कि भाई पांडव क्षत्रिय हैं, भिक्षा नहीं मांग सकते, इसलिए दुर्योधन 5 गांव उन्हें दे दे, वो उन 5 गांव से अपना निर्वाह कर लेंगे। और दुर्योधन वो मूढ़, वो अधम, वो द्वारिकाधीश को बंदी बनाने के लिए लपकता है। वो इतना अपने अपने राजमद में, इतना अपने बाहुबल से मतवाला है, इतना उन्मत्त है कि उसको साक्षात नारायण में भी एक नर का दर्शन होता है। वो नहीं पहचान पाता प्रभु को, क्या है, प्रभुता पाए काए मद नाई, मदांध कर देगा आपको आपका धन, आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, यदि भक्ति ना हुई तो। इसीलिए पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, संपत्ति और सुमति ये दोनों केवल सत्संग की कृपा से साथ साथ रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते। आपके जीवन में सत्संग रहा, साधु संग रहा, संत जनों का संग, उनकी कृपा उनका अनुग्रह रहा तो ही संपत्ति और सुमति साथ रहेंगे, नहीं तो जीव का पतन करा देने के लिए तो कोई एक दुर्गुण बहुत है, बहुत अधिक की तो आवश्यकता नहीं। अभिमान तो किसी का भी हो वो पतन कराने के लिए पर्याप्त है। तो व्यास जी उदाहरण दे रहे हैं, अरे नामा के कर पै पियो, प्रभु जब श्री नामदेव जी के हाथ से दूध पीने आए, किस नाते आए, प्रेम के नाते आए, खाई ब्रज की छाक, अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ में नाच न चावे। सूरदास जी लिखते हैं, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाए। सारी सृष्टि को जो माया अपने भ्रुव क्षेप पर नचाती है, उस माया को नचाने वाले मनमोहन यहां गोपियों के इशारे पर नाचते हैं, किसके नाते, प्रेम के नाते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम ही है भाई, प्रेम ही है जो नीचे को ऊंचा करता है, प्रेम ही है जो हीन को श्रेष्ठ बनाता है। प्रेम से ही श्रेष्ठता है, प्रेम ही सर्वोपरि है और प्रेम ही प्राप्य है, प्रेम ही आपका मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है, इसी के लिए आप और मैं मनुष्य होकर आए। तो व्यास जी कह रहे हैं, अन्य विचार छोड़कर हरि चरणन चित जोर, और फिर चेता रहे हैं कि किसी भी जाति में और किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, कितने भी पोथी पुराण पढ़ लिए हो, पर व्यास कपट हरि ना मिले नीरस अपरस पाक। कभी कभी व्यक्ति देखा जाता है वो अपरस सपरस करते करते उसके मन का आग्रह दुराग्रह बन जाता है,
कभी कभी तो किसी भावुक हृदय का अपमान अवज्ञा अवहेलना होती देखी गई है। कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, पर अभिमान किसी भी रूप में उर अंतर में आवे तो प्रभु से दूर करता है, प्रभु से दूर करता है। अभिमान तो केवल एक बात का रहे जीवन में, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम प्रभु के सेवक हैं, इस बात का मान हो, इस बात का आत्म सम्मान हो। आगे कहते हैं, व्यास जाति तज भक्ति कर, कहत भागवत टेर। व्यास जाति तज भक्ति कर, कहत भागवत टेर। जाति ही भक्ति ना बने जो केरा ढिंग बे, जाति ही भक्ति ना बने जो केरा ढिंग बे। अनुभवी महापुरुषों का वाक्य है कि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जाति वर्ण कुल, कि इन तीनों का कहीं से भी किंचित भी लेश मात्र भी अगर दंभ या अभिमान हो तो कह रहे इन पे भक्ति ना हो, जाति वर्ण कुल खोए। और यहां तो व्यास जी ने बड़े सीधे और सुस्पष्ट शब्दों में कहा, व्यास जाति तज भक्ति कर, अर्थात श्रेष्ठता का मान, श्रेष्ठता का अभिमान लेकर कोई भजन की डगर पर आगे नहीं बढ़ सकता। निपट सिलसिली बह गैल, हमारे श्री रसिक पद रेणु जी महाराज जी सुनाया करते थे, कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गैल। सिलसिला रास्ता क्या होता है, जिस रास्ते पर बहुत काई जमी हो, कहने कठिन जो चलत पिपीलिका। पिपीलिका किसे कहते हैं, चीटी को कहते हैं। तो चीटी का चलना कठिन है और लोग लगावे बैल, और बोले कोई उस बैल पर बैठकर और उस मार्ग पर चलने के लिए आए तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। बैल माने अभिमान, माने अपने सर पर जाति का बल बुद्धि का विद्या का कोई भी अभिमान लेकर अगर कोई प्रेम के पथ पर आए तो व्यास जी कहते हैं स्खलन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, वो इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। और मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ भाई, आपका और मेरा तो त्याग वस्तुतः है ही झूठा, आप और मैं तो जिस वस्तु का त्याग करते हैं वस्तुतः आपकी मेरी है ही नहीं। अगर इस संसार में सबसे बड़ा त्यागी, सबसे बड़ा विरक्त कोई है तो रसिक शेखर श्याम सुंदर हैं, मुझे लगता है इसलिए वो रसिक शेखर हैं। अगर वस्तुतः निरभिमान कोई है तो श्री ठाकुर जी हैं, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों का परित्याग नहीं करती, गोकुल के गौरस पर उनको सौ सौ बार में चलते देखा, वृंदावन की करील कुंजों में नंगे पांव चलते देखा। अगर निरभिमानता का आपको कहीं दर्शन करना है तो श्री ठाकुर जी में करिए। इसीलिए तो मेरे महाप्रभु कहते हैं, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पर आह दीन पनप माने, प्रीत की रीत रंगीलो जाने। प्रेम करना ठाकुर जी जानते हैं, प्रेम करना श्री कृष्ण जानते हैं, दीन पनप माने। तो कह रहे जाति तज भक्ति कर, कहत भागवत टेर, जाति ही भक्ति ना बने। कहने का अभिप्राय व्यास जी का यहां यही है कि नेक भी, किसी भी विषय वस्तु का नेक भी अभिमान हो तो भजन के पथ पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा, ये बहुत चिकना मार्ग है, तुरंत पतन हो जाएगा, स्खलन हो जाएगा, गिर जाएंगे आप उस मार्ग से। यहां तो सर्वथा वृंदानी सर्व महताम अपहाय दुराद, फिर वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः, प्रणयेन चेतः। सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार।
दास प्रगट भागवत में भृगु जुकियो निर्धार। व्यास प्रगट भागवत में भृगु जुकियो निर्धार। इन दो पंक्तियों की तो हमने पूर्व भी चर्चा की। सब संतों ने जिनको रसानुभूति हुई प्रभु के प्रेम स्वरूप की, जिनको प्रेम स्वरूप की रसानुभूति हुई, उन्होंने कहा सब तज भजिए श्याम को। अर्थात कहते आ रहे हैं, बोले पहले जाति का मत जाए, बल बुद्धि विद्या आदि का जो अभिमान जीव लिए रहता वो जाए, उसके बाद व्यास जी कह रहे धर्म भी छोड़िए, सब तज भजिए श्याम को, धर्म अधर्म सब एक और धर के। और कह रहे श्रुति स्मृति को सार, ये जितना वेदों और पुराणों में कहा गया है, ये जो भी शास्त्र के आख्यान और वचनिकाएं हैं, जितना ज्ञान है, साधन सिद्धि राम पग नेहू, सब साधनों की सिद्धि क्या है कि श्री हरि के चरणों में अनुराग हो जाए। जब प्रभु का नाम उच्चारण करें तो रोम रोम पुलकित हो, नेत्र भर आए, गदगद कंठ हो जाए, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। श्री ठाकुर जी कहते हैं मद्गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहाशय मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगांब संबुधो। सब तज भजिए श्याम को। अभी ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, पर वस्तुतः यही सत्य है भाई, यही सत्य सिद्धांत है। सब एक और धर के, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सूरदास तो डंके की चोट पर कहते हैं सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न भव जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। पूर्व कई बार इस विषय पर चर्चा हुई, आज ये पुनः ये पंक्तियां आई हैं, तो मैं कह रहा हूं कि भाई जिसकी पूजा जिसकी अर्चना करोगे वो आपको कुछ दे देगा, कोई कुछ दे देगा, कोई कुछ दे देगा। भक्तमाल में हमने श्री पीपा जी के चरित्र का जब श्रवण किया था तो क्या था, देवी की आराधना करते थे, लेकिन जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो देवी ने कहा कि संसार के और स्वर्ग के भी भोग्य पदार्थ तो मैं तुझे प्रदान कर सकती हूं, पर यम के पास से मुक्त कराना ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। ये यम का भय है, यम अर्थात ये मृत्यु का भय है, इस मृत्यु के भय से मैं मुक्त कराने में समर्थ नहीं हूं। इसके लिए तो किसी समर्थ सदगुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी, उससे हरि भजन की सुरीत सीखनी होगी, तब ये भय जाएगा। तेरे सेवक को भव किछ नाही जम ना आवे। आप कभी आपको अवसर मिले तो आप कभी महाभारत का थोड़ा चिंतन करना, आप देखोगे कि पांडवों पर कितनी ऐसी विपदाएं आई कि अगर श्री कृष्ण उनका पक्षपात नहीं करते तो उनका परित्राण संभव ही नहीं था। सीधे सीधे ठाकुर जी ने पक्षपात किया, सीधे सीधे, और कभी कभी तो अपना मान टले टल जाए, भक्त कमान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर। आपको स्मरण हो जब मैंने भीष्म पितामह का प्रसंग निवेदन किया था, एक कवि की महाराज बड़ी सुंदर रचना है, मुझे अवसर मिला तो मैं जरूर यहां पर निवेदन करूंगा कि चिंता द्वारिकाधीश को हुई कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले लिया, भीष्म भी भक्त हैं, परम भक्त हैं, द्वादश भागवतों में भीष्म जी का नाम आता है, भगवान के अनन्य भक्त हैं वो, भक्ति की शक्ति उनके पास भी है। अब श्री ठाकुर जी ने कहा भाई बड़ा धर्म संकट आया, एक और भीष्म एक और अर्जुन, दोनों कह रहे हैं कल लड़ेंगे, और ये दोनों लड़ेंगे तो एक का जाना तय है। वहां द्रौपदी को मैं वचन दे चुका हूं कि तेरे पंचपतियों में से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा, अब क्या किया जाए, अब बड़ी चिंता में है प्रभु।
और एक और बात मैंने आपको निवेदन की थी, अनेक अनेक ब्रह्मांडों का लय विलय अपने ब्रूक शेप मात्र से कर लेने वाले श्री कृष्ण अपने भक्त का कार्य स्वयं करते हैं। उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए तो वो प्रीति का ही सदुपयोग करते हैं, प्रेम से ही करते हैं प्रभु भक्त का कार्य, बल या शक्ति से नहीं। चिंता हुई प्रभु को, द्रौपदी से कहा चलो, वो भी चल दी। द्रौपदी जी का चरित्र कहते कहते मैंने कहा था विश्वास हो तो ऐसा हो, आधी रात का समय है, श्री कृष्ण ने कहा चलो और द्रौपदी पूछती नहीं है कहाँ चलना है, चल देती है प्रभु के पीछे पीछे। और जब शत्रु शिविर के निकट पहुंचते हैं तो ठाकुर जी ने कहा अरे ये क्या किया, पादुका पहनकर आई हो, भरत वंश की साम्राज्य की पादुका है, कोई भी पहचान लेगा, शत्रु के शिविर में आई हो, इन्हें यही उतारो और भीतर जाओ, जाकर प्रणाम कर देना बस, आप मुझे आधी रात पितामह को प्रणाम कराने के लिए लाए हैं, हाँ जाओ बस प्रणाम कर दो। गई द्रौपदी भीतर, वो चरणों का नूपुर हाथ का कंगन जब बजा, भीष्म पितामह ध्यानस्थ बैठे थे अर्धरात्रि द्वारिकाधीश का ही ध्यान करते थे, वो जब कंकण किंकिणी आदि की ध्वनि कान में पड़ी तो लगा कोई सधवा स्त्री है, और बिना ही आंख खोले सौभाग्यवती रह बेटी, तू पुत्र कुमारों वाली हो, आशीर्वाद दे दिया। अब जब द्रौपदी ने देखा कि पितामह आशीर्वाद दे चुके हैं, थोड़ा और निकट गई, प्रणाम पितामह, जब स्वर सुना द्रौपदी का तो नेत्र खोले, और पितामह को समझने में देर नहीं लगी पितामह को समझने में। द्रौपदी से कहने लगे कि तुझे लाने वाला कौन है, कहाँ खड़ा है। द्रौपदी भी समझ गई द्वारिकाधीश ने कोई लीला की है, द्वार की ओर संकेत कर दिया। चलते चलते वयोवृद्ध पितामह द्रौपदी से कहते हैं कि बूढ़ा हो गया पर अब तक चोरी करने का अभ्यास नहीं किया, इसकी चोरी उसकी चोरी तेरी चोरी मेरी चोरी। और जब द्वार पर देखा वो झांकी तो द्रौपदी के नेत्र भी सजल और पितामह के भी, द्रौपदी की पादुका द्रौपदी की जूती प्रभु अपने पीताम्बर में छिपाए खड़े। कहते हैं भीष्म पितामह ने दोनों हाथ द्रौपदी के सर पर रख दिए कि जो तेरा पहरा देता है ये जगत रचाने वाला है। कहते हैं द्रौपदी पर इतने प्रसन्न हो गए पितामह कि धन्य धन्य तू है पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, ये पहरा देता है तेरा, ये जगत रचाने वाला है, तूने कोई ऐसी भक्ति की है इनकी जिससे ये रीझ गए हैं तुझ पर। पितामह ने कहा मैं समझ गया था अर्धरात्रि को द्रौपदी को मेरे शिविर में लाने वाला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है, अपने भक्त की चिंता आपके अतिरिक्त कौन कर सकता है। अस प्रभु छाड़ भज ही जे आना, तेन पशु बिन पूछ समाना। सूरदास तो कहते हैं वेद पुराण और भगवत गीता फीको ज्ञान पोथी को खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को मिलवो नैनन ही को नी को, मिलवो नैनन ही को नी। इसलिए कहते हैं नर दे ही पाई चित चरण कमल दीजे, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए। इसलिए परमानंद स्वामी कहते हैं प्रीति तो नंद नंदन से की जय, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले कृपा करे सो जी जय, प्रीति नंद नंदन से। सबका आदर करना भाई, सबका सम्मान करना, और मैंने कल विराम के क्षणों में कहा था सबकी सेवा करना, सबका आदर सबका सम्मान सबकी सेवा प्रभु के नाते, पर जब प्रेम की बात आए ना, प्रीति तो नंद नंदन से की जय, नंद नंदन से की संपत्ति
विपति पर प्रतिपाले कृपावलोकन जीजे प्रीत तो नंद नंदन से कीजे प्रीति तो नंद नंदन से